Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the mid. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Saran and I welcome you all to my YouTube channel. My name is Saranpreet Kaur and I love to make videos on this channel. So if you're interested to watch my videos, you can subscribe and watch my videos and do let me know in the comment section ki aapko videos kaisi lagti hai main aur kya improvement kar sakti hu. Abhi main college se aayi thi, abhi to 4 baj gaya, maine rest kiya, khana khaya, ab main free ho gayi hu. To main aapko batane wali thi ki hamara trip ja raha hai, कॉलेज ट्रिप जा रहा है कल, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड इट्स गोइंग टू बी अ फन, इट्स फॉर 4 डेज एंड आई एम गोइंग फर्स्ट टाइम, लेकिन बहुत मज़ा आएगा. आई होप सो कि मज़ा आए. सो आज भी हमारा एग्ज़ाम था और मैं बस अभी मुझे टाइम मिला कि मैं पैक सारा कुछ पैक कर सकूँ. वैसे तो मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इस दिन ये पहना है ये पहना है, तो मुझे बस ट्राई करके देखना है. बहुत सारी लिस्ट अभी मैं बना रही हूँ मम्मी से पूछ पूछ कर. सो अभी लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद बहुत होगी बातें. सो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या क्या पैकिंग करनी है, और मैं आपको पूरा दिन अपने साथ घुमाऊँगी. आज गाइस मैं अभी अपनी मम्मी से पूछने गई थी कि बता दो क्या क्या लेके आऊँ. उन्होंने पहले मुझे ये दे दिया है, गैस्ट्रोफास्ट अपने फेवरेट, और उसके बाद ये पता नहीं कौन सी दवाई दे दी है, और बोल रही है एक एलर्जी की ले आना और एक खांसी की ले आना. लाइक मैं वहाँ पे बीमार होने थोड़ी जा रही हूँ, बट फिर भी मैं ले जाऊँगी. पता नहीं होता मम्मी गाइस, बट मैं ले जाऊँगी क्योंकि मेरी मम्मी जो भी बोलती है ना वो सच होता है. मतलब बुरी बुरी बातें जो होती हैं ना वो वाली सबसे ज़्यादा सच वो ही होती हैं. सो हम दवाइयाँ पक्का ले जाएंगे. गाइस मैंने लिस्ट बना ली है जो जो भी खरीदना है और जो जो भी पैकिंग करना है, उसकी तो पूरी ऐसी लंबी लिस्ट बन गई है. सो अभी हम चलते हैं और या दैट्स इट. गाइस अभी 4:30 हो गया, जल्दी से हम मार्केट जाके पूरा सामान लेके आते हैं, और उसके बाद हमें पैकिंग भी करनी है आके, खाने पीने का, शूज़, क्लॉथ्स, एवरीथिंग, सारा कुछ मैनेज करना है. सो मेरी सिस्टर जैस्मिन, अगर आप उसके वीडियोस देखते हो तो मैं उसका भी चैनल का यहाँ पे मेंशन कर दूँगी. सो वो भी, उसकी भी फेयरवेल है, सो वो अपना सामान लेने गई है, मैं उसको वहाँ पे जाके मिलती हूँ. सो हम दोनों साथ में जो भी फाइनलाइज करना है साथ में जाके करते हैं. सो लेट मी गो देयर फास्टली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ. बाय. फिर मेरी बहन गांव आई मुझे पहले की तरह. सो नाउ वी आर हैविंग, मैं तेन कहा था मैं अच्छी बहन होने के नाते इसे ड्रेस दिखाने गई थी, लेकिन इसने फायदा होना था जो मैं आई एम बैक होम. इतनी ज़्यादा गर्मी है ना आज, आप मेरे मतलब
फेस पे पूरा ऑयल ऑयल हो रखा है। भी सामान छुटकू पुटकू जो भी सामान था मैं सारा ले आई हूँ, खाने पीने का कुछ नेसेसरी थिंग्स जो भी थी सभी कुछ मैं ले आई हूँ, मेडिसिन वगैरह जो भी मम्मी ने बताया मैं सब कुछ लेके आ गई हूँ। सो मैं आपको एक फ़न बात बताती हूँ, मैंने लिस्ट बनाई थी बट वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि मैं यहीं पे छोड़ गई थी डायरी, लिस्ट भी इससे अच्छा तो मैं फ़ोन में नोट्स में लिख लेती। सो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया कि डायरी में से मुझे वो पिक भेजना जहाँ पर मैंने लिखा है। मम्मी को इतनी मुश्किल से वो मिला क्योंकि मैंने पीछे लिखा हुआ था। उसके बाद मम्मी ने ब्लर फोटो भेजी, बाद में रिप्लाई भी नहीं किया। सो दिस वन इज द फर्स्ट ड्रेस एंड सो दिस इज द सेकेंड ड्रेस, आई काइंड ऑफ लाइक इट। एंड रात के 10 बजने वाले हैं और मैं ड्रेसेस ट्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हो मेरा। सो दिस इज द नेक्स्ट वन, सो अभी मैंने सारे कपड़े रख लिए हैं फिलहाल के लिए, मतलब जो जो भी है डेज़ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे सभी के अकॉर्डिंग कपड़े रख लिए हैं, नाइट सूट रख लिए हैं। अभी बारी आती है शूज़ की एंड बैग्स की, सो मैं वो डिसाइड कर लेती हूँ फटाफट, वो भी रख लेते हैं। सो अभी मुझे डिनर भी करना है, 11 बज चुके हैं गाइस, इतने मैंने सभी प्रेस करने में इतना टाइम लगा दिया, ओह गॉड, बट वी हैव टू डू दिस। वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम दिस बैग टू दिस बैग फाइनली, क्योंकि ये बंद नहीं हो रहा था और कुछ स्पेस बाकी भी नहीं रह रही थी, तो हम इस बैग से उस बैग में शिफ्ट हो रहे हैं। सो 12 बज गए हैं और मेरी सारी पैकिंग हो गई है फिनिश, सो अभी मैं जा रही हूँ सोने, मिलती हूँ आपको कल सुबह, बाय। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, एंड मैं अभी अभी उठी हूँ, सो अभी नहा के 5 बज गए हैं, 6 बजे घर से निकलना है और 6:30 बजे कॉलेज पहुँचना है। सो मेरा ना थोड़ी सी मुझे कॉल्ड हो गया है और गला भी दुख रहा है, सो आई होप कि कुछ मतलब ठीक हो जाऊँ मैं, ऐसा मुझे बीमार होकर ट्रैवल नहीं करना है। सो अभी मम्मी मेरे कपड़े प्रेस कर रहे हैं, मैं आपको तैयार होके बाद में मिलती हूँ। अच्छा सो अब मेरे पाजी मुझे छोड़ने जा रहे हैं, ये देखो, सो बाय मम्मी। We are waiting here from 1 hour, but कोई बस नहीं आई थे और मेरी फ्रेंड्स भी हैं, दे मेरी फ्रेंड्स है और बस दी असी कदों दी वेट करते पे। सो हम कब के अपने कॉलेज पहुंच गए हैं लेकिन बस नहीं आई है अभी तक, 2 घंटे हो गए हैं, देख लो जब हम जाएंगे मैं तब आपको बताऊंगी जो जो भी होगा। सो गुड मॉर्निंग, reasoning was when I said in case I go, no need to be stressed, gotta take it home, it's there, I really miss the shade of blue. Okay, Anji, globe nice to meet you. I went go to trip, educational trip and enjoy trip. My YouTube vlogs. Hello, ma'am. Ma'am, vlog bana rahe ho. Hello, sir. Hello, Rupali. Hello, hello. Roll, roll.
सुनो साहब सम्मी मेरी बार Staring out the window, reaching for a north star. हम अब यहाँ पे पॉली हाउस देखने आए हैं नॉनी यूनिवर्सिटी के परमार यूनिवर्सिटी के उसके यहाँ पे बहुत सारे पॉली हाउस to the limbo stuck here in the middle you tell me that it's simple but I could pain so we are going to shimla now kyunki humne yahan pe dekh liya wo farm wagera jo bhi the and we are going to shimla bahut achhi university aur yahan pe view bhi bahut achha hai hum university nahi gaye lekin humne wo farms wagera dekhe net house wagera poly houses and now we are heading to shimla hum raat tak pahunchenge wahan pe but if we turn the clocks back a couple dials we should throw them out because time ain't as old but you fill me up and I can feel it now Mal Road present on the hill station is a place where all types of major shops, hotels, etc. are present. Mal Road is the major hangout point and shopping center in Shimla, the capital city of Himachal Pradesh. अब हम मॉल रोड पहुँचने ही जा रहे हैं रात को ये वाला व्यू अमेजिंग है रात का व्यू सुबह से भी ज़्यादा अच्छा होगा अब हम जा रहे हैं मॉल रोड की ओर और व्यू बहुत अच्छा है हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ से यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रही है बाकी पता नहीं कहाँ चल गए हैं कुछ पीछे है कुछ आगे हैं
कर लिया है और हम वापस जा रहे हैं बसेस में एंड इट्स क्वाइट हैक्टिक। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ आवर ट्रिप। Our main destination is Manali and we are leaving from Shimla to Manali now. So stay connected for future Manali vlogs. So yeah, bye bye, like, share, subscribe, do all the good things and I'm gonna meet you in my next vlog. Bye.